नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संविधानम। और आज हम बात करेंगे रिट्स के बारे में। रिट्स है क्या, उसके कितने प्रकार होते हैं। रिट्स अभी तक आप सबने पढ़ा होगा, जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबने पढ़ा होगा, बट किसी को एग्जैक्टली इसका याद नहीं होता है कि कौन सा रिट किस लिए होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर कट और बहुत शॉर्ट तरीके में मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा रिट किस चीज़ के लिए होता है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया लेवल में कोई भी एग्ज़ाम हो, IAS हो, PCS हो, SSC हो, PCSJ हो, ये सभी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। गो टू द स्लाइड्स। सो यहाँ पे जो रिट्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारे कोर्ट्स को दिया गया है, इसके थ्रू वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो रिट का मतलब क्या है, कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करना। ठीक, अ रिट मीन्स अ कमांड ऑफ अ कोर्ट टू अनदर पर्सन और अथॉरिटी बाय विच सच पर्सन और अथॉरिटी हैज टू एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। दस रिट्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट। सिंपली इट इज़ द कमांड ऑफ कोर्ट जो किसी भी पर्सन को या अथॉरिटी को उस तरीके से एक्ट करने के लिए या एब्सटेन करती है किसी तरीके से, उसे रिट कहते हैं। ये कोर्ट का आदेश जारी करना होता है। रिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32 दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड जो हाई कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पावर है कि रिट के थ्रू हम हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, अगर हमारा लीगल राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट दोनों ही वॉलेट हुआ है। तो अभी हम पढ़ेंगे एक इम्तियाज बानो वर्सेस मसूद अहमद जाफरी एंड अदर्स, इनका केस। ठीक है, अ मदर हैड फाइल्ड अ रिट पिटीशन फॉर अ हेबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 226 टू गेट द कस्टडी ऑफ हर ट्रू चिल्ड्रन। The High Court allowed the petition and the writ was issued in her favor. Thus, the scope was power to issue the writ is wider in the High Court as compared to the Supreme Court. अभी यहाँ पे इम्तियाज बानो मसूद अहमद जाफरी के केस में ये पता चलता है कि जो रिट है, ठीक, हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन इसका ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों के लिए ही हम हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। बट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास बस अंडर आर्टिकल 32 इतनी ही पावर है कि हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं उसके वॉलेशन पे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। अब कितने टाइप्स के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, 5 टाइप्स के रिट होते हैं। ठीक, अब ये हेबियस कॉर्पस है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्याशीकरण टू ब्रिंग द बॉडी। इसका मतलब ही है कि टू ब्रिंग द बॉडी। अब इससे आप समझिए कि हेबियस कॉर्पस किस लिए है। कोई भी पर्सन अगर इलीगली डिटेन्ड है, ठीक है, उसको वापस से लाना है, इलीगल डिटेन्ड है, तो अगर हम वापस लाने के लिए उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके उसको हम वापस लाने के लिए एक याचिका दायर करते हैं, जिसको कहते हैं रिट, और उस रिट के थ्रू हम उसको वापस ले आ सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो पर्सन डिटेंड है उनके लिए। अब ये बाय दिस रिट द कोर्ट कमांड द पर्सन और द अथॉरिटी हु हैज़ डिटेंड और रिस्ट्रेंड अनदर पर्सन टू प्रेजेंट सच पर्सन बिफोर द कोर्ट। The court requires detaining person to provide the ground which the person has detained. If he fails to provide the valid ground, the person who has been detained will be released by the court immediately. अगर हम हेबियस कॉर्पस, अगर हम जाके रिट हेबियस कॉर्पस का एप्लीकेशन दायर कर देते हैं, रिट पिटीशन दायर कर देते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करती है, जिस अथॉरिटी ने उसको डिटेन किया है उससे क्वेश्चन पूछती है कि आपने इसे डिटेन क्यों किया। अगर उसका वैलिड रीज़न मिलता है तब तो ठीक है, वैलिड रीज़न नहीं मिलता है तब उस पर्सन को वहीं तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा इमीडिएटली। इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ए इज़ रॉन्गफुली डिटेन्ड बाय बी। ए जो है वो रॉन्गफुली डिटेन किया गया है बी के द्वारा, जो कि बी है वो पुलिस ऑफिसर है। ए राइट टू द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द सेम, और ए ने ये राइट किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने समन किया बी को, और फिर ए एंड आस्क द ग्राउंड फॉर डिटेनिंग फॉर ए, और बी से उसने पूछा कि आपने किस ग्राउंड पे ए को डिटेन किया है। अगर बी फेल हो जाता है वैलिड ग्राउंड बताने में, जस्टिफाई करने में ए के डिटेंशन को, तो फिर ए फ्री है कहीं पे भी जाने के लिए। ठीक,
अभी रूल क्या है, रूल रिगार्डिंग द राइट ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब इसमें रूल क्या, पहला द एप्लीकेंट शुड बी कस्टडी ऑफ अनदर, जो एप्लीकेंट है वो किसी के कस्टडी में होना चाहिए। दूसरा द यूजली डिटेन्ड पर्सन एंड हिज फैमिली मेंबर आर अलाउड टू फाइल एन एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे कौन पर्सन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, कोई भी पर्सन जो डिटेन्ड है वो, डिटेन्ड के फैमिली वाले या कोई कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, या फिर कोई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर भी यहाँ पे को राइट दे दिया है कि वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल कर सकता है हेबियस कॉर्पस की पिटीशन। ठीक है, द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग द रिट इज़ नॉट नेसेसरी, सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिट इज़ एक्सेप्टेड बाई द कोर्ट्स। ये कहता है कि रिट का कोई एक फॉर्मल या इनफॉर्मल एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक, जो कि एक्सेप्ट किया जाए कोर्ट के द्वारा। अब सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन मेड थ्रू अ लेटर बाई अ को कन्विक्ट अ स्ट्रेंजर ड्यू टू द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर। अभी यहाँ पे इस केस में, सुनील बत्रा के केस में क्या हुआ कि इल ट्रीटमेंट हो रहा था प्रिजनर्स के साथ, तो इसमें किसी स्ट्रेंजर ने ये रिट फाइल की थी, तो यहाँ पे उसके रिट को एक्सेप्ट किया गया, उसके लेटर को एक्सेप्ट किया गया, तो हेबियस कॉर्पस इशूड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे चौथा क्या कंडीशन है, अ पर्सन कैन नॉट मेक द एप्लीकेशन फॉर रिट सक्सेसिवली टू द डिफरेंट जजेस ऑफ द सेम कोर्ट। अभी सेम डिफरेंट जजेस ऑफ द सेम कोर्ट के डिफरेंट जजेस पे अलग अलग जगह पे जाके रिजेक्ट रिट नहीं फाइल कर सकते। अगर एक ने रिजेक्ट कर दिया है तो सेम एप्लीकेशन हम फिर से किसी और जज के पास नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ रेड जुडिकेटा, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेड जुडिकेटा अराइजेस, ये कहता है कि सेम मैटर पे सेम कोर्ट में हम नहीं जा सकते। रेड जुडिकेटा यही बात करता है जो CPC में दिया है। तो ये जो 5 है ये क्या बोलता है, द रिट विल अप्लाई इन केस ऑफ अरेस्ट मेड बाय द पीपल व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटी एंड प्रोसीजर व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड आर नॉट फॉलोड। फॉर एग्जांपल, द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट किया गया है तो मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट होना है, लेकिन अगर कोई पर्सन को उस 24 आवर के भीतर उसको प्रेजेंट नहीं किया गया तो वो पर्सन के पास राइट हो जाएगा कि ये रिट इशू करवा ले। ठीक है, अभी हम मैंडमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंडमस क्या होता है, मैंडमस जो रिट है परमादेश उसको कहते हैं, टू गिव द मैंडेट टू डू द जॉब, मतलब कि ये सिंपली यही बताता है, टू डू द जॉब से क्या समझ में आ रहा है कि आपकी कोई लीगल ड्यूटी है और आपने परफॉर्म नहीं की तो आपके लिए मैंडमस जारी किया जा सकता है। अभी मैंडमस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इन्फीरियर कोर्ट को कि आपने इस तरह से एक्ट क्यों नहीं किया, या फिर मना कर सकता है कि आपको ये एक्ट नहीं करना है। ये किसी भी इन्फीरियर ट्रिब्यूनल, इन्फीरियर कोर्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये सबके अगेंस्ट लागू किया जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है, इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, देयरफॉर इट हैज़ पावर टू इशू द रिट ऑफ मैंडमस इवन अगेंस्ट द हाई कोर्ट, इवन दो द हाई कोर्ट हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद पावर टू इशू अ रिट अगेंस्ट आर्टिकल अंडर आर्टिकल 226, सो द हाई कोर्ट कैन इशू द रिट अंडर आर्टिकल 226 ओनली टू द इन्फीरियर कोर्ट। जो भी सुपीरियर कोर्ट है वो अपने इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट ये मैंडमस जारी कर सकता है कि आपकी अथॉरिटी थी, आपने ये काम नहीं किया, तो अब आप इसका जवाबदेही हैं और आपके अगेंस्ट ये मैंडमस जारी किया जा सकता है। ठीक, अभी इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, हु हैज़ अ ड्यूटी टूवर्ड्स बी विच ही हैज़ फुलफिल अकॉर्डिंग टू द लॉ। ए एक पब्लिक सर्वेंट है, उसकी कुछ ड्यूटी है टूवर्ड्स द बी, ठीक, और उसको ये ड्यूटी फुलफिल करनी है। बी क्या है, एग्रीव पर्सन है क्योंकि उसने ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, तो बी अप्रोच करता है हाई कोर्ट में फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटी। ए हियर द हाई कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द बी इज द बोनाफाइड एंड देयर इज अ ड्यूटी विच शुड बी फुलफिल्ड विद इशू ऑफ द रिट ऑफ मैंडमस, ए विल बी बाउंड टू फुलफिल। अभी यहाँ पे ए के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जाएगा, और फिर उसके बाद ए एक बिजनेसमैन है हु हैड द सेम ड्यूटी टूवर्ड्स द बी बट ही फेल्स टू परफॉर्म इन सच अ के ए कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट ऑफ मैंडमस बिकॉज द रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। अभी रिट क्या है, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट किसी की जो ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी है, उसको कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसके अगेंस्ट जो की जाती है, ना कि किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अभी ग्राउंड ऑफ मैंडमस समझते हैं।
कि कौन कौन से ग्राउंड पे रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जाता है। द पिटिशनर हैज राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, द होल पर्पस ऑफ दिस रिट इज टू इन्फोर्स द राइट ऑफ द सिटीजन, बट इफ देर इज अ नो राइट विच एक्योर्स टू द प्लेंटिव, ही कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट द रिट ऑफ मैंडमस। ठीक है, यहाँ पे कोई लीगल राइट है जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, अगर वो राइट जो है इन्फ्रिंज किया गया है तभी हम रिट ऑफ मैंडमस फाइल कर सकते हैं, वरना हम रिट ऑफ मैंडमस फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे राइट ऑफ द पिटिशनर जो है वो इन्फ्रिंज होना चाहिए। द पिटिशनर हैज़ डिमांडेड द अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, बट देयर हैज़ बिन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटी, द रिट इशू टू कंपेल द अथॉरिटी टू डू द एक्ट विच दे आर रिक्वायर्ड टू डू बाय लॉ और बाय द पोस्ट दे आर होल्डिंग, दस इट इज़ एसेंशियल ग्राउंड फॉर मैंडमस। अभी मैंडमस क्यों जारी किया जाता है, कंपेल करता है किसी अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। ठीक है, अभी ये हो गया, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि जो भी अथॉरिटी है उसका एक जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए रिट जारी किया जाता है। इन केस ऑफ भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिसर भोपाल, द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैड गिवन अ क्लियर डायरेक्शन टू द रिस्पॉन्डेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, बाय इट्स फाइनल ऑर्डर द इनकम टैक्स ऑफिसर हैड स्टिल रिफ्यूज टू कैरी आउट द डायरेक्शन गिवन बाय द ट्रिब्यूनल, इट हैज़ हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट द इनकम टैक्स ऑफिसर हैज़ मैंडेटरी ड्यूटी टू फुलफिल द डायरेक्शन गिवन बाय द ट्रिब्यूनल एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच अमाउंटेड टू ग्रेव इनजस्टिस, दस द रिट ऑफ मैंडमस वॉज इशूड टू डायरेक्ट द ऑफिसर टू कैरी आउट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। अभी भोपाल इंडस्ट्रीज केस में क्या हुआ कि यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल है, उसने एक अपना ऑर्डर दिया, ठीक है, उसको ये करने के लिए, फिर वहाँ पे ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर दिया लेकिन वो मान नहीं रहा था, अगर उसने नॉन परफॉर्मेंस किया इसका तो ग्रेव इनजस्टिस होगा, तो उसके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडमस इशू कर दिया गया। ठीक है, व्हेन इज मैंडमस इज नॉट अलाउड, कब मैंडमस नहीं अलाउड होता है, जहाँ पे कोर्ट रिफ्यूज़ कर दे टू इशू रिट इन फॉलोइंग केसेस, व्हेन द राइट ऑफ द पिटिशनर वॉज लैप्स्ड, पहला जब पिटिशनर का राइट ख़त्म हो जाए, द ड्यूटी हैज़ ऑलरेडी बिन फुलफिल बाई दी अथॉरिटी, ठीक है, दूसरा कि जबकि ड्यूटी जो है वो किसी अथॉरिटी के द्वारा फुलफिल की जा चुकी है, तब उसके अगेंस्ट उस सिचुएशन में रिट नहीं दायर किया जा सकता। अभी ये किसके किसके अगेंस्ट किया जा सकता है, पहले आप ये समझिए, लाइज अगेंस्ट दी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, म्यूनसिपालिटी, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिसर, और पंचायत या अदर अथॉरिटी फॉलिंग अंडर दी आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये किसके अगेंस्ट लाइज नहीं किया जाएगा, बस दो लोग हैं, एक राष्ट्रपति है, एक राज्यपाल है, एक प्रेसिडेंट है, एक गवर्नर ऑफ द स्टेट है। अब हु कैन अप्लाई फॉर दिस रिट, मैंडमस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, यूजली द पर्सन हुज राइट वॉज इन्फ्रिंज, ठीक है, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है वही अप्लाई करता है मैंडमस के लिए, बट After the Supreme Court adopted a liberal view, the advent of public interest litigation in India, जैसे ही जब Supreme Court ने इसको मान लिया, adopt किया liberal view, तो वहाँ पर public interest litigation आ गया। अब इसमें कोई भी citizen, ठीक है, जहाँ पर large public का right जो है violate हो रहा है, तो कोई भी citizen जाके writ of mandamus issue करवा सकते हैं on this behalf, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट केस है, रतलाम म्यूनसिपालिटी वर्सेज वर्दीचंद, इट वॉज हेल्ड दैट द रतलाम म्यूनसिपालिटी वॉज द स्टैट्यूटरी बॉडी विच ओड द ड्यूटी टू द पब्लिक सच एज रिमूविंग द नाइट सॉयल एंड रबिश, रिमूविंग एनी पब्लिक न्यूसेंस एक्सेट्रा। अभी रतलाम म्यूनसिपालिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका ड्यूटी यही है कि रिमूव करें नाइट सॉयल, रबिश और जितना भी न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है उसको, ठीक है, तो रिट ऑफ मैंडमस उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है उसकी ड्यूटी के नॉन परफॉर्मेंस पे। ठीक, अभी हम पढ़ते हैं सर्च्योरी, ठीक है, अब ये क्या है, उत्प्रेषण लेख प्रोड्यूस दी सर्टिफिकेट। अब ये सर्च्योरी से यही समझ में आ रहा है कि ये सर्टिफाई करता है, ठीक, अब क्या सर्टिफाई करता है अब ये जानते हैं। सर्च्योरी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ रिट व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर रिट, ठीक है, द रिट इज करेक्टिव इन नेचर विच मीन्स द पर्पज ऑफ द रिट इज टू करेक्ट एन एरर विच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। इसका काम क्या है, जब भी कोई एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड दिखता है तो उसके लिए हम सर्च्योरी इशू करवा सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में।
अभी सर चर्ची इज अ रिट विच इज इशूड बाई द सुपीरियर कोर्ट टू द इन्फीरियर कोर्ट. ये किसी भी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इन्फीरियर कोर्ट को इशू किया जा सकता है. वेन द सुपीरियर कोर्ट वॉन्ट टू डिसाइड द मैटर इन द केस इट सेल्फ एंड इफ देर इज द एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाई विच द इन्फीरियर कोर्ट. अब ये किस किस कंडीशन पर सर्चरी इशू करता है. सर्चरी सुपीरियर कोर्ट अपने इन्फीरियर कोर्ट को इशू करता है कि आप अपना एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कर रहे हैं या आपके जजमेंट में एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है इस केसेस पे, या फिर सुपीरियर कोर्ट खुद उस पर अपना व्यू रखना चाहता है, तो वहाँ पे क्या करता है सुपीरियर कोर्ट, सर्चरी जारी करता है इन्फीरियर कोर्ट को. ठीक है, अभी इसमें क्या है, रिट कैन ऑल्सो बी इशूड वेन देर इज अ फंडामेंटल एरर इन द प्रोसीजर फॉलोड बाई द इन्फीरियर कोर्ट एंड इफ देर इज अ वॉलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अभी रिट, ये सर्चरी कब कब इशू हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, नेचुरल जस्टिस के वॉलेशन पे, फंडामेंटल एरर अगर दिख जाता है इन्फीरियर कोर्ट के जजमेंट पे, या फिर एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो जाता है तब. ठीक है, इफ सुपीरियर कोर्ट फाइंड द वॉल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अब वो क्या करेगा, सीधे क्वेश्चन कर देगा इन्फीरियर कोर्ट के जजमेंट को. अभी इलस्ट्रेशन समझते हैं कि इन द केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा किसी केस को डिसाइड कर दिया. अभी क्या करेगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इशू करेगा ये रिट ऑफ सर्चरी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर क्वेश्चन कर देगा. यहाँ पे अब ग्राउंड्स पढ़ लेते हैं इसका. ठीक है, कब कब जारी होगा, ऑन ग्राउंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ऑन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे ऑडी अल्टरम पार्टम नहीं हुआ है, व्हेन देयर इज अपेरेंट एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, अब इन, अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी इशूड इन केस ऑफ ट्रांसफर, जहाँ पे सुपीरियर कोर्ट चाहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है वो डायरेक्टली हम सुने, तो उस केस में भी वो ये जो रिट ऑफ सर्चरी है वो भी लाई कर देता है. ठीक है, अब अगेंस्ट होम दिस रिट लाइज. ठीक, अब ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि किसके अगेंस्ट सर्चरी लाइज करेगा. ठीक है, द सर्चरी लाइज अगेंस्ट दोज बॉडीज विच आर जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इन नेचर. दस व्हेन एनी बॉडी और अ पर्सन परफॉर्मिंग अ जुडिशियल एक्ट, दिस एक्ट कैन बी सब्जेक्ट टू बी अ रिट ऑफ सर्चरी. जब कोई बॉडी जुडिशियली या क्वासी जुडिशियली एक्ट परफॉर्म करता है, उस केस में सर्चरी उसके अगेंस्ट लाई किया जाएगा. ठीक है, अभी क्या करता है, इट ऑल्सो मीन्स दैट द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिट इज लिमिटेड ओनली टू द जुडिशियल बॉडी. ये जुडिशियल बॉडीज और अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए ही है सर. ठीक है, इट विल नॉट एक्सटेंड टू सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, इनके अगेंस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट नहीं लागू होता. ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पर्सन्स के लिए ही, जो उस समय जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं उनके लिए ही ये इशू किया जा सकता है. ये किसके अगेंस्ट नहीं लागू होता, जैसे कि इंडिविजुअल है, कॉरपोरेशन है, कंपनी है, प्राइवेट अथॉरिटी, एसोसिएशन, कोई भी ट्रिब्यूनल है. ठीक है, और जब जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी है लेकिन वो क्या बोलते हैं, जो ट्रिब्यूनल है कोई भी, तो वो क्वासी जुडिशियल जुडिशियली परफॉर्म नहीं कर रही है उस केस में. ठीक है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट ये लाई नहीं किया जाएगा. अब हम समझते हैं क्यू वॉरेंट, अधिकार पृच्छा. अधिकार पृच्छा क्या होती है, बाय व्हाट अथॉरिटी टू होल्ड इट्स पोजीशन. ये पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि आपने किस अथॉरिटी से इस पोजीशन को होल्ड किया है. द रिट ऑफ क्यू वॉरेंट इज इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन. ये प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट लाइक करती है, व्हेन ही एज्यूम्स एन ऑफिस ऑन विच ही हैज़ नो राइट. जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो फिर भी वो ऑफिस, वो उस अथॉरिटी पे, वो ऑफिस उस पोजीशन पे होल्ड कर रहा है. ठीक है, क्यू वॉरेंटो लिटरली मीन्स बाय वॉट अथॉरिटी एंड इट इज़ एन इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टेकिंग ओवर द पब्लिक ऑफिसेस. अभी इलस्ट्रेशन समझते हैं. ए, हु इज़ अ प्राइवेट पर्सन जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एज्यूम सच एज ऑफिस, हियर द रिट ऑफ क्यू वॉरेंटो इशूड अगेंस्ट ए टू कॉल द क्वेश्चन हिज अथॉरिटी एंड विच ही हैज़ टेकन द कंट्रोल ऑफ द ऑफिस ऑफ सब इंस्पेक्टर. अभी ए प्राइवेट पर्सन है और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे वो है. ठीक है, तो क्यू वॉरेंटो उसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि आप किस पोजिशन से ये होल्ड कर रहे हैं ये अथॉरिटी. ठीक है, तो उससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्लस उसको उसके पोजीशन से हटाया भी जा सकता है.
कंडीशन अब क्या है क्यू और एन टू की, किस कंडीशन पे ये लाई करेगा। जहाँ पे ऑफिस हैज़ बिन रॉन्गफुली एज्यूम्ड बाय द प्राइवेट पर्सन इज़ अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा कोई पब्लिक ऑफिस ऑब्टेन किया गया है रॉन्गफुली। जहाँ पे ऑफिस वॉज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर स्टैट्यूट, जहाँ पे जो ऑफिस क्रिएट किया गया है या कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएट किया गया है या स्टैट्यूटरी क्रिएट किया गया है। द नेचर ऑफ द ड्यूटी विच अराइजेज फ्रॉम द ऑफिस इज पब्लिक, ठीक है, वो पब्लिक नेचर का होना चाहिए, जो भी ऑफिस है उसकी जो ड्यूटी है वो पब्लिक नेचर का होना चाहिए, उसी के अगेंस्ट ये लाई करेगा, ठीक है। रिट कैन ऑल्सो बी इशूड इन दोज केसेज वेयर द पर्सन वॉज एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस अर्लियर बट आफ्टर गेटिंग डिसक्वालीफाइड ही इज स्टिल पोजेशन ऑफ द ऑफिस। जहाँ पे कोई पर्सन डिसक्वालीफाई हो चुका है फॉर किसी भी रीज़न की वजह से, फिर भी वो उस पोजिशन को होल्ड कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी रिट इसमें क्यू वारंटों में क्यू वारंटों को लेके जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। निरंजन कुमार गोयनका वर्सेज द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर, इस केस में क्या हुआ था कि रिट ऑफ क्यू वारंटो कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ नॉट होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। जो पर्सन पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहा है उसके अगेंस्ट ये रिट ऑफ क्यू वारंटो नहीं दायर किया जा सकता, ठीक है। प्रोहिबिशन समझते हैं, ठीक है, प्रोहिबिशन क्या है, प्रतिषेध, मना करना, मना करने से समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ रोका जा रहा है करने से, टू प्रोहिबिट, ठीक है। ये लास्ट रिट है कॉन्स्टिट्यूशन का और सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन करने पे, एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन जो कि उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है फिर भी उस पर वो अपना जजमेंट दे रहा है, तो उस पर सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को मना करता है कि भाई आप नहीं दे सकते, ठीक है, इट विल बी इनवैलिड जजमेंट, इलीगल हो जाएगा वो, ठीक। अभी हम समझते हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ अ हियरिंग अ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट का जो अपील है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो इसका एक्सरसाइज करने का पावर ही नहीं है ना कि हाई कोर्ट का कोई भी अपील वो सुने, लेकिन अगर वो सुन रहा है तो वो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो लागू किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक। अगेंस्ट होम दिस रिट लाइज, अभी किसके अगेंस्ट लाइज होता है, कोर्ट के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी सच एज टैक्स, कस्टम अथॉरिटी, सेटलमेंट ऑफिसर एक्सेट्रा, इन सभी के लिए ये रिट लाई करता है। अभी इसका रूल क्या है, रूल में इतना ही बताया गया है कि इन्फीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिडिक्शन से बाहर कोई काम किया है, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्टिंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ किसी ने एक्ट किया है, इन केसेज वेयर द कोर्ट इज पार्शली एक्टिंग विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन एंड पार्शली आउटसाइड, ठीक है, पार्शली ज्यूरिडिक्शन में काम करते हैं, पार्शली आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन काम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी ये रिट लाई करेगा, ठीक है। कोई भी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट लाई करेगा बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट लाई नहीं करेगा, ठीक। The fact that the applicant has a right to appeal against the order of the inferior court will not a bar to issue this writ, ठीक है। ये fact कि applicant के पास appeal का right है against the order of inferior court will not be bar to issue this writ, ये writ जो है वो bar नहीं कर सकता उस person को कि अपना right of appeal मत use करो, ठीक है। Writ of prohibition, अब डिफरेंस क्या होता है प्रोहिबिशन और सर्चुरी में, लगभग ये दोनों सेम ही लगते हैं दिखने में, ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंस है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है, सुपीरियर कोर्ट इशू करता है इन्फीरियर कोर्ट को, ठीक, बिफोर द फाइनल ऑर्डर, ये प्रिवेंटिव नेचर का है कि फाइनल ऑर्डर आने से पहले रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी किया जा सकता है, ठीक। बट इन केस ऑफ सर्चुरी सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को फाइनल ऑर्डर के बाद सर्चुरी दायर किया जाता है क्योंकि ये एक करेक्टिव रेमेडी है, उसको सुधारने का रेमेडी है, ठीक है। प्रिवेंटिव है प्रोहिबिशन, प्रिवेंट करता है, सर्चुरी क्या है, करेक्टिव है, सर्टिफाई करता है। होप सो आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये यूज़फुल लगेगा मेरी वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग।